अपनी किताब में सत्य लिखा है, इस सत्य ने मुझे परेशान कर दिया, जा अब तू भी परेशान होगा और जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ चला जाएगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, मैंने धैर्य से उस साधु को सुना और कहा कि मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन सत्य से हटना नहीं, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। और हुआ भी वही, गाड़ी, घर, जॉब, पद प्रतिष्ठा सबका नाश सिर्फ 6 महीने में ही हो गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही रोचक है और आप अंदर से हिला देने लगे। इस स्टोरी का एक एक शब्द सत्य की माला से गुथा हुआ है। यात्रा के दूसरे दिन 31 मई को सुबह 5 बजे उठ गया था, क्योंकि आज का लक्ष्य जल्दी से चंदेरी घूमकर मथुरा या दिल्ली तक पहुंचने का था। चंदेरी से दिल्ली 770 किलोमीटर था, लेकिन पहुंच पाए आगरा तक, जो चंदेरी से 371 किलोमीटर की दूरी पर था। खैर कोई बात नहीं, सुबह 6:15 बजे चंदेरी के ऐतिहासिक किले पर पहुंचा और वहां के इतिहास को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इस किले पर प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बाबराई की कब्र थी, तो वही राजपूत वीरांगनाओं की जौहर भूमि भी है। जौहर कुंड पर एक शख्स योग करते मिल गए। उन्होंने जौहर कुंड के बारे में जानकारी दी, जिस जौहर कुंड में साल 1528 में 1500 महिलाओं ने जलती चिता में छलांग लगाई, वहाँ बच्चे आकर क्रिकेट खेलते हैं। जौहर कुंड की याद दिलाती हुई एक छतरी भी बनी हुई है, जो आज से 500 साल पुराने इतिहास को बताती है। इस जौहर कुंड की कहानी हिला देने वाली है। चंदेरी में प्रत्याहारों के राज्यकाल के समय सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की, साथ ही कियासुद्दीन बलबन और ने भी चंदेरी पर हमला किया, परंतु ये युद्ध सफल न हुआ। दूसरा युद्ध 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ। बाबर ने 28 जनवरी 1528 को चंदेरी पर आक्रमण किया। आक्रमण उत्तर की ओर से हुआ। जिस समय चंदेरी पर आक्रमण हुआ, उस समय चंदेरी का शासक राजा मेदिनीराय प्रत्याहार था। मेदिनीराय प्रत्याहार राणा सांगा के अभिन्न मित्र थे। सन 1526 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से 5,000 सैनिकों के साथ बाबर का सामना करने के लिए पहुंचे थे, किंतु बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। फिर राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में जाकर डटकर मुकाबला किया। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध को बाबर ने सैन्य शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और तोपखानों की वजह से जीता था। राणा सांगा की पराजय के बाद भी मेदिनीराय प्रत्याहार शक्तिशाली राजपूत नरेश बाबर का प्रतिद्वंदी था। खानवा के युद्ध में पराजित होने पर क्षत्रिय राजपूतों ने चंदेरी को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। देश भर के समस्त राजपूतों ने इस युद्ध में किसी न किसी रूप में सहयोग किया। चंदेरी का युद्ध मुगलिया सल्तनत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए क्षत्रिय राजपूतों की ओर से अंतिम प्रयास था। स्वयं राणा सांगा इस युद्ध में शामिल होने आ रहे थे, परंतु अचानक कालपी के निकट उनका निधन हो गया। इससे प्रत्याहार राजपूतों की शक्ति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। उधर बाबर को भी युद्ध करने की लालसा ना थी। वह खानवा के युद्ध में क्षत्रिय राजपूत वीरों का अदम्य साहस और शौर्य को निकट से देख चुका था, इसलिए बाबर ने युद्ध टालने का प्रयत्न किया। लेकिन मेदिनीराय के देश प्रेम और राणा सांगा की मित्रता तथा क्षत्रिय द्वारा कभी किसी का दिनतर स्वीकार न करने के सिद्धांत के कारण उन्होंने शहीद होना सही समझा। मेदिनीराय ने बाबर के आए घुटने टेक से इनकार कर दिया, इससे युद्ध होना आवश्यक हो गया था। मुगल सेना ने कीर्ति दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। अगले दिन प्रत्याहार राजपूतों ने कीर्ति दुर्ग और अपनी आन बान शान चंदेरी की रक्षा के लिए अंतिम समय तक युद्ध किया, परंतु तोपखानों की अग्नि वर्षा के कारण हजारों प्रत्याहार क्षत्रिय वीरों ने किले के बाहर प्रमुख द्वार पर प्रक्षात्मा युद्ध करने के लिए वीर गति किया। ये दरवाजा आज भी चंदेरी में खूनी दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्याहार सेना की मुगलों से हो रही पराजय से ही लग रहा था कि वीर अब युद्ध के पक्ष में करने में सक्षम नहीं है और हार बिल्कुल जरूरी है। जब प्रत्याहार राजा मेदिनीराय उसके वीर सैनिक जिस समय हताश होकर बाबर की फौज से अपना अंतिम युद्ध करने को निकले, उस समय जौहर ताल के किनारे विक्रम संवत 1584 माघ सुदी बुधवार को राजा मेदिनीराय की पत्नी रानी मणिमाला एवं प्रत्याहार राजपूत वीरांगनाओं ने अंतिम कदम उठाया। महिलाओं ने राजपूतों की पराजय निश्चित मानकर अपने कौमार धर्म एवं सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर रचा और स्वयं को अग्निकुंड में जय माँ चामुंडा देवी के नारे लगाते हुए अपने को समर्पित कर दिया। उनकी ही स्मृति में यह स्मारक ग्वालियर राज्य के समय में श्री सदाशिवराव सिंह पवार ने 1932 में बनवाया था। कहा जाता है कि जौहर के पूर्व माताओं ने अपने पुत्रों एवं बहनों ने अपने भाइयों को तलवारों से बंद कर दिया। इसका उद्देश्य ये था कि राजपूत माँ के प्यारे लाल बहनों के भाई मुसलमानों में बना दिया।
विजय में चूर बाबर ने सेना सहित जब कीर्ति दुर्ग में प्रवेश किया था तो दुर्ग के अंदर खंडित मंदिर, भग्न महल और चिता की राह की उस प्राप्त। खैर, जौहरकंड के इतिहास को समझकर हम थोड़ा आगे चले तो किले पर एक गाइड और केयर टेकर मिल गए। उनसे बात की तो वह किला घुमाने को राजी हो गए। उन्होंने खूनी दरवाजे का इतिहास, कटी घाटी के बारे में बताया और चंदेरी शहर के तीन तरफ फैले महल और बावड़ियों के बारे में किले से ही बताया। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने मुझे शापित कर दिया। दरअसल किले पर करीब एक घंटा रहने के बाद नीचे आया तो नीचे आते ही समय सड़क किनारे शपनदर आदमी ने कहा रुक कर देख लिया जाए, लेकिन मन बाइक के साथ शरीर को आगे ले गए। किले से 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद माँ जगेश्वरी देवी का मंदिर पड़ा। यहीं पर महाभारत कालीन शिशुपाल ने विशाल यज्ञ किया। किस्मत की बात देखिए कि मंदिर के प्रांगण में जाने के बाद मुझे मुख्य मंदिर नहीं दिखा। मैं उसकी तलाश में चलता रहा और ऊपर चढ़ता रहा। 10 मिनट बाद देखता हूँ कि मैं फिर से किले पर था, ठीक उसी शिव मंदिर के सामने, जिसे छोड़कर मैं आगे लगा। मैं फिर वापस आया तो देखा कि स्वयं मंदिर ही नहीं खुला था। थोड़ी देर पर एक सज्जन आई और मंदिर का द्वार खुल गया। वो वहीं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जिन लोगों की कभी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी वो सफारी में घूम गए। बाद में पता लगा कि चंदेरी में सुबह लाइट नहीं रहती, जिस वजह से नल नहीं आते। अब बिना नहाए तो मंदिर खुलेंगे नहीं, इसलिए मंदिर सुबह 5 बजे आड़ में खुलता है। बाद में उनसे चर्चा हुई तो बातचीत करते करते 9 बजे तब मैंने उनसे कहा कि अब तो चंदेरी घूमने का समय खत्म हो गया और मुझे यहाँ से निकलना है। तब वह बोले कि मेरी वजह से ये हुआ है, कभी चंदेरी आना तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा। इस तरह फिर से चंदेरी आने की संभावना बरकरार रख वहाँ से सुबह 9 बजे निकल गया। उसके बाद हमने इस यात्रा पर किताब लिखी और भोपाल से दिल्ली आ गए। मुझे याद था कि एक बार उनसे मिलना जरूरी। उनसे मेरी मुलाकात 5 साल बाद नवंबर 2021 में, उस समय मैंने उन्हें किताब दी और उनके प्रसंग का पन्ना खोलकर सामने रख दिया। उन्होंने जैसे ही उस प्रसंग को पढ़ा, पता नहीं उन्हें क्या हुआ और फिर उनके मुझे वही शब्द निकले जो वीडियो की शुरुआत में बताए गए। तूने किताब में सत्य लिखा है, लेकिन इस सत्य ने मुझे परेशान कर दिया। जा, अब तू भी परेशान होगा और जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ चला जाएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मैंने धैर्य से उस आदमी को सुना और कहा कि मुझे समझी सत्य से मुझे आपका साफ स्वीकार है और वह भी कार, घर, जॉब, पद प्रतिष्ठा सब करना 6 महीने। ये तो अभी सिर्फ दूसरे दिन के 3 घंटे की काम है। और अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो और फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दो तो हम तो सांप को भी झेल चुके हैं और वरदान भी दे चुके हैं। अभी तो भारत देश की एक से एक हैरतअंगेज काम होती है।